हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू देकर जो भी अभ्यर्थी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि परिणाम अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। खबर यह है कि परीक्षा के परिणाम में और भी विलम्ब हो सकता है। इस माह के अंत तक 64वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य बीपीएससी ने रखा था, लेकिन अब रिजल्ट प्रकाशन में देर होगी। कारण, दिव्यांग कोटि के कई अभ्यर्थियों की मेडिकल रिपोर्ट विशेषज्ञ कमेटी से नहीं मिल सकी है। इस कमेटी में शामिल डॉक्टर के भी कोरोना संक्रमण की सूचना है। इधर बीपीएससी में एक सदस्य, एक उप सचिव सहित 35 से अधिक कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और होम क्वारंटाइन है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि कोरोना के कारण रिजल्ट के प्रकाशन में देर होगी। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि क्या कोरोना से केवल प्रभाव बिहार लोकसेवा आयोग पर ही पड़ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की बात करें तो जो 2020 की नोटिफिकेशन निकली थी मई 2020 में, अगर आप इस टाइमलाइन को देखें, किसी ने तैयार किया इसे, तो मई 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2021 यानी एक साल से भी कम अवधि में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और रिजल्ट, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई इसी कोरोना के दौरान। और बीपीएससी जो कि कोरोना आने से बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, यानी अगस्त 2018 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी और आज अप्रैल 2021 तक भी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो चुकी है। तो क्या केवल कोरोना का दोष देकर कि कोरोना के कारण विलंब हो रहा है, ये जस्टिफिकेशन आपको तर्कपूर्ण लगता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अंतिम परिणाम जारी करने में इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं बचती है कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे चीज़ें हो गई रहती हैं। केवल निर्णय लेना होता है जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है उसे बैठ कर कि किस दिन रिजल्ट को प्रकाशित करना है। अब इसे मेडिकल के नाम पे डिले करना, कोरोना के नाम पे डिले करना, एकमात्र डिले टैक्टिक्स लगता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है। जहाँ तक 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके बारे में क्या सोचना है, तो जब 64वीं बीपीएससी जो कि सबसे प्रायोरिटी पे है बीपीएससी के, उसकी यह स्थिति है, तो 65वीं के बारे में आप अभी ज़्यादा चिंता ना करें। जून से पहले कुछ भी उम्मीद लगाना अपने आप को अंधेरे में रखने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप 66वीं बीपीएससी के लिए अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगें। 65वीं की ज़्यादा टेंशन में ना रहें कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उस प्रक्रिया में भी कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं।